साथियों आज जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है उसकी टाइमिंग अपने आप में बहुत विशेष है हम आजादी के पचहत्तरवें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं यहां से देश के लिए अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है इन आने वाले 25 साल में हमारे कामकाज के तरीका हमारे रोजमर्रा के जीवन हमारे व्यापार कारोबार में अनेक अनेक परिवर्तन होने वाले हैं होंगे ही जिस तरह टेक्नोलॉजी बदल रही है हमारी लाइफस्टाइल हो या फिर हमारी इकोनॉमी दोनों में बहुत बदलाव होगा इस परिवर्तन के बीच हमारे पर्यावरण हमारी जमीन हमारे संसाधन हमारे रॉ मटेरियल इन सभी की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है टेक्नोलॉजी को ड्राइव करने वाले रैर अर्थ मेटल्स जो आज ही रैर है लेकिन जो मेटल आज उपलब्ध है वो भी कब रैर हो जाएंगे ये कहना मुश्किल है भविष्य में हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर तो काम कर सकते हैं लेकिन जो धरती माता से हमें संपदा मिलती है वो हमारे हाथ में नहीं है इसलिए आज एक तरफ भारत डीप ओशन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाश रहा है तो वहीं सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रोत्साहित कर रहा है कोशिश यह है कि विकास को हम सस्टेनेबल बनाए एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां हम आए दिन अनुभव कर रहे हैं इसलिए भारत को अपने हित में अपने नागरिकों के हित में बड़े कदम उठाने जरूरी हैं इसी सोच के साथ बीते सालों में एनर्जी सेक्टर में अभूतपूर्व काम हुआ है सोलार और विंड पावर हो या फिर बायोफ्यूल आज भारत दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है इसको स्वच्छता से भी जोड़ा गया है और आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा गया है बल्कि आजकल तो हम सड़कों के निर्माण में का बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं सरकारी बिल्डिंग गरीबों के लिए घर के निर्माण में भी रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है साथियों ऐसे ही अनेक प्रयासों में आज ऑटोमोबाइल सेक्टर का नाम भी जुड़ गया है इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा यह सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी दूसरा लाभ यह होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट रिपेयर कॉस्ट फ्यूअल एफिशिएंसी इसमें भी बचत होगी तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है पुरानी गाड़ियां पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है उससे मुक्ति मिलेगी चौथा इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पॉलिसी के तहत गाड़ी सिर्फ उसकी एज देखकर ही स्क्रैप नहीं की जाएगी गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से ऑथोराइज ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स पर फिटनेस टेस्ट होगा अगर गाड़ी अनफिट होगी तो वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जाएगा इसके लिए देश भर में जो रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज बनाई जाएगी वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो ट्रांसपेरेंट हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत